साकार हो गई गुरुओं की गुरुताई। जिन गुरु में साकार हो गई गुरुओं की गुरुताई, उनको सत सत नमन जिन्होंने, उनको सत सत नमन जिन्होंने ज्योति अखंड जलाई। सुनो शिष्यों गुरुवर की गुरुताई, सुनो शिष्यों गुरुवर की गुरुताई, सुनो शिष्यों गुरुवर की गुरुताई, शिष्यों गुरुवर की गुरुताई, सुनो शिष्यों गुरुवर की गुरुताई। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। गुरु की गुरुताई हमने सुनी। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में वो सारा गुरुत्व, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन के माध्यम से आज पूरी दुनिया वो प्रकाश पा रही है। गायत्री के महामंत्र के महिमा परम पार, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो, गायत्री भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी ने आपको उस समय कहा कि आप इसके पूरे साइंटिस्टों के निदेशक के रूप में कार्य करेंगे और आपके ही मार्गदर्शन में जो संस्कारों का क्या प्रभाव होता है, साउंड इफेक्ट क्या है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, नाना प्रकार के जो परिवर्तन होते चलते हैं, वो आपके निर्देशन में एक टीम है डॉक्टर्स की जो वहाँ पर काम कर रही है। ये आज इस युग की आवश्यकता थी। परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा है कि तर्क तत्व और प्रमाण के आधार पर किसी चीज़ को रखा जाए। और इतना ही नहीं, आज विश्व के 80 देशों में किस रूप में लोग भागते हुए चले आ रहे हैं केवल आपके वैज्ञानिक प्रतिपादन के कारण। ऐसे मनीषी, ऐसे पूर्व जन्म के घने संस्कारों से घनीभूत देवात्मा हमारे आपके बीच में विराजमान हैं। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये निवेदन करेंगे अपने मुखार बिंदुओं से आशीष चंद देने की कृपा करें। भाइयों बहनों, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, भावना ये करें कि हमारी बुद्धि जो है वो सन्मार्ग की ओर चल रही है, प्रकाशित हो रही है। आप सब जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य जो है, इसका नाम सूर्य पड़ा है सु और इर, सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण। सविता देवता को सूर्य कहते हैं प्रसव करने के कारण। प्रसव यानी बच्चा माँ के पेट से जिस तरह से आता है उस क्रिया को प्रसव कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड जो पैदा हुआ है ये सूर्य के माध्यम से पैदा हुआ है। सूर्य हम सबका पिता है, गायत्री मंत्र का देवता है, इसलिए हम सूर्य के आराधक कहलाते हैं। हम सारे पूर्व में रहने वाले लोग, पूरे भारत के ही, पूरे विश्व भर के ऋषि सूर्य के आराधक कहलाते हैं और सूर्य की आराधना करने के कारण हम गायत्री मंत्र को अपना आराध्य मंत्र मानते हैं। सूर्य की आराधना के इस मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को, ये 7 गुण है टोटल, दिव्य तेज को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को, ये अकेले मेरी नहीं, आप सबकी बुद्धि को, जो बोल रहा है वो और जो साथ बोल रहे हैं सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सद्बुद्धि, सन्मार्ग, सन्मति, इसका अर्थ सब जानते हैं, सब किसी को बताने की जरूरत नहीं। सन्मति के मार्ग पर चलेंगे तो हमेशा ये बताइए कभी गलत दिशा होगी क्या, कभी गलत दिशा नहीं होगी,
इसलिए सद्बुद्धि का मार्ग श्रेष्ठतम मार्ग। आइए प्रार्थना करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ बैठे हमारे सभी देवतुल्य भाइयों देवी स्वरूपा बहनों शक्ति स्वरूपा माताओं का बिजनौर क्षेत्र के नजीबाबाद के इस गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे अतिथिगण, हमारे यहाँ के आमंत्रित सभी अभ्यागत अतिथिगण और सभी ऐसे यहाँ के गणमान्य नागरिक जो आज यहाँ उपस्थित हैं, भाइयों बहनों, हम लोगों का जीवन प्रारंभ से ही भगवान ने इस तरह से बनाया है कि हम नीचे से ऊपर उठें। ऊर्ध्वो भव, ऊंचा उठो, ऋग्वेद कहता है ऊंचा उठो। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हम नीचे की ओर सोचते रहते हैं, नीचे की ओर देखते रहते हैं, नीचे की ओर पतन की ओर जीते हैं। इससे ऊंचा उठें, अपना विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से, विभिन्न प्रकार के जो प्रतिकूलताएं हैं इनसे अपने आप को बचाते हुए हम अपनी रक्षा करते हुए ऊंचा उठें। तो ऊंचा उठें तो उसके लिए मार्ग भी बताया उन्होंने, उन्होंने मार्ग बताया अध्यात्म का मार्ग। उन्होंने कहा अध्यात्म जो जीवन में उतारेगा उसको जीवन में निश्चित रूप से प्रगति होगी, भौतिक आध्यात्मिक सर्वांगीण प्रगति होगी। और इस भौतिक आध्यात्मिक सर्वांगीण प्रगति का राजमार्ग है अध्यात्मवाद। आज के धर्म गुरुओं, पाखंडी गुरुओं, जितने प्रकार के महामंडलेश्वर महंत, जितने सभी ऐसे नहीं हैं पर जितने भी हैं, उन सब की लीलाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है मित्रों कि लोगों ने धर्म का मतलब और अध्यात्म का मतलब समझा नहीं। अध्यात्म का मतलब होता है श्रेष्ठताओं को, आदर्शों को, अच्छी प्रवृत्तियों को, अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारना, महापुरुषों के मार्गदर्शन में काम करना। धर्म जो है वो हमें वो राह दिखाता है, धर्म हमें रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता धर्म उसे नष्ट कर देगा। धर्म बड़ा स्पष्ट, बड़ा स्पष्ट। हम लोग मानव धर्म के अनुयायी हैं, भारतीय धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हिंदू धर्म से मतलब कोई ये नहीं कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म अलग अलग है, धर्म एक ही है। हम लोग अच्छे बने, अच्छे मानव बने, महामानव बने, ये तो मुस्लिम धर्म भी सिखाता है, क्रिश्चियनिटी भी सिखाती है। इसलिए जो लोगों ने हिंदुत्व का जो गलत अर्थ किया वो भी गलत अर्थ किया। अध्यात्म का जो मार्ग है वो हिंदू धर्म का मार्ग है, यही सभी धर्मों का मार्ग। सभी धर्म ये कहते हैं इसी मार्ग से, सभी मार्गों से चलते हुए महापुरुष बनो, महापुरुष बनो, ऊंचा उठो, ऊंचा उठो। सौभाग्य का समय है मित्रों, इस समय स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म शताब्दी मन रही है। मुझे इसी महीने एक ऑपरेशन कराना पड़ा, तो ऑपरेशन कराने के बाद मुझे बहुत मौका मिला, पहली बार जिंदगी में इतना अच्छा मौका मिला मुझे कि मैं लेटा रहूं। मुझे लेटने का मौका ही नहीं मिलता कभी, लेटा रहूं दिन में, लेट के पढ़ता रहूं, बस पढ़ता रहूं। तो मैंने खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, गुरुदेव को पढ़ा, माता जी को पढ़ा, गुरुदेव का सारा साहित्य वांग में पढ़ डाला। तो मैंने विवेकानंद को पढ़ा, विवेकानंद के करीब करीब मैंने जितने 10 वांग में थे उनको फिर से पढ़ा, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ता चला रहा हूँ, 62 साल की उम्र से पढ़ता चला रहा हूँ।
उसके बाद मैंने उनके ऊपर लिखे हुए इस साल लिखे हुए विशेष ग्रंथ पढ़े, विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ, विवेकानंद अपने ऊपर क्या लिखते हैं। मैं विवेकानंद बोल रहा हूं दूसरी किताब, विवेकानंद की आत्मकथा तीसरी किताब। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेरे कष्ट तो कुछ भी नहीं है उस आदमी के सामने। वो आदमी आया और आने के बाद कष्ट झेलता रहा जीवन भर जी। हमको उनकी प्रसिद्धि दिखाई पड़ती है, गिरती दिखाई पड़ती है, पर जिस मार्ग पर वो चला, जिस मार्ग पर उसने हजारों लाखों व्यक्तियों को चलाया और जिसके लिए वो तपा, जिसके लिए उसने कष्ट सहे, लाखों कष्ट सहे, अगर आप उनकी किताब पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में उस आदमी ने अपने जीवन में अनगिनत कष्ट झेले अपने गुरु के लिए। और बार बार ये कहता था, आखिर कौन है मेरे लिए, मेरा गुरु तो है जो मुझे शक्ति देता है। मुझे याद है एक घटना जो मैंने उनकी लिखी हुई घटनाओं में से पढ़ी, जो उनके उनके शिष्यों के द्वारा लिखी हुई, विवेकानंद इन द आईज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट डिसाइपल्स। विवेकानंद उनके पूर्वी और पश्चिमी शिक्षकों की, उनके शिष्यों की दृष्टि में। उसमें एक घटना है कि 1901 की घटना है, अंतिम यात्रा थी उनकी भारत से बाहर। 1902 में तो शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। वो एक लेक्चर दे के आ रहे थे, लेक्चर देने के लिए आ रहे थे। दोनों तरफ से चार आदमी उनको लेके चल रहे थे, दो आदमी इधर से, दो आदमी इधर से। गजब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों तरफ जनता बैठी थी। अमेरिका में अगर 10,000 जनता बैठी हो तो बहुत बड़ी बात, 10,000 जनता का बैठना एक बहुत बड़े हॉल में बहुत बड़ी बात। 5,000 इस तरफ, 5,000 इस तरफ, सबने देखा कि वही आदमी जिसको हम पिछले 7-8 साल से सुन रहे हैं, जिसकी कीर्ति सुन रहे हैं, वही हमारे बीच में से आ रहा है। पर ये कैसा है, पूरा शरीर फूला हुआ है, काला काला सा चेहरा है, ये क्या हो गया इसको। आए, आने के बाद वो मंच पर नजदीक आते ही उन्होंने दोनों इधर वालों को, दोनों इधर वालों को हटाया और जोश के साथ ऊपर चढ़ गए मंच पर। मंच पर चढ़ के उन्होंने रामकृष्ण की स्तुति की। वो स्तुति करने के बाद 1.5 घंटे खड़े रह करके प्रवचन दिया उन्होंने और ये बताया कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मेरे गुरु कौन थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ भाई, जो जिसको आदमी को वहाँ से यहाँ तक आने में इतना पसीना आ गया कि उसको चार आदमी उठा के लाए थे वो आदमी, और चेहरे पे लालिमा आ गई, कालिमा हट गई, लालिमा आ गई, चेहरे पे तेज उभर आया, निखर आया, देखते देखते पूरा सब कुछ बदल गया। लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर खत्म होने के बाद नीचे उतरे, फिर चार लोगों ने उनको साइड से घेरा और लेके चले, उनको लेके गए, अमेरिकन शिष्य थे उनके। लोगों ने उनसे इंटरव्यू पूछा कि स्वामी जी ये बताइए कि आप गए थे तो उनका आपके साथ चार आदमी, आए थे तो चार आदमी, मंच पे खड़े थे तो एक भी आदमी आपके आसपास नहीं। बोले तुम बड़े बेवकूफ हो, तुमको मेरे गुरु नहीं दिखाई दिए, अरे तुम कितने नादान हो, अरे मेरे गुरु मेरी रक्षा कर रहे थे, मेरे गुरु मेरे पीछे से बोल रहे थे, मेरे गुरु मेरी रक्षा कर, जैसे मेरे गुरु की स्तुति की तो गुरु की स्तुति करते ही गुरु मेरे ऊपर आके बैठ गए, सवार हो गए। बोले तू बोलेगा कैसे नहीं, मैं तेरे से बुलवाऊंगा, तेरी हड्डियों से बुलवाऊंगा, तेरी हड्डियों से काम कराऊंगा। उन्होंने कहा मित्रों मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है, मैं बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका हूं, पर मैंने इन वर्षों में जो काम किया है, काश एक विवेकानंद और होता जो देख पाता कि मैंने क्या काम किया। अब इन 150 सालों में करीब करीब हजारों ग्रंथ उनके ऊपर लिखे गए हैं और लोग पहचान रहे हैं कि वास्तव में विवेकानंद क्या थे। मित्रों उन्होंने एक बात लिखी है कि मेरे गुरु चाहें तो धूल के कण से हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। मित्रों उनके गुरु कोई नहीं, उनके गुरु ही आचार्य श्रीराम शर्मा के रूप में जन्मे रामकृष्ण परमहंस, और उन्होंने धूल के कण से गायत्री की महामंत्र के माध्यम से हजारों विवेकानंद रच दिए, हजारों निवेदिताएं रच दी और ये सामने मेरे बैठे हुए हैं सबके सब, पूरे के पूरे। आप लोग सब गायत्री मंत्र की शक्ति के चमत्कार हो। ये गायत्री मंत्र विवेकानंद के समय में नहीं प्रचारित हुआ था, उस समय वेदांत की बात की गई थी, वेदांत, क्योंकि उस जमाने में वेदांत की जरूरत थी। सारे के सारे लोग दुनिया भर के ढकोसलों की बात कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी उभर रही थी बुरी तरह से, क्रिश्चियनिटी कोशिश कर रही थी कि इस आदमी को दबा दो किसी तरह से, इतने दुर्भिसंधियां, इतने षड्यंत्र उनके खिलाफ, इतने आक्रमण उनके खिलाफ होते रहे कंटिन्यूस। पर मित्रों वो आदमी जूझा, कंटिन्यूस जूझा, उसने वेदांत को स्थापित किया।
कि वेदांत ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो ये कहता है कि कोई दो नहीं है, हम और हमारा भगवान एक है, हम और हमारा गुरु एक है। जब हम और हमारा भगवान एक है तो हमसे गलती कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा उठो जागो रुको मत, कठोपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य उत्तिष्ठत प्राप्त उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। आशावाद का संचार किया एक गुलाम भारत में, जिस गुलाम भारत में लोग निराश हो गए थे कि क्या होगा, उस निराश भारत जाति को उन्होंने वहां से संदेश दिया। बहुत लोगों ने मित्रों को बहुत धीरे धीरे समझा, गोखले तिलक महात्मा गांधी उनसे मिलने के लिए कलकत्ता गए, महात्मा गांधी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मिल नहीं पाए, बाकी दो लोग मिल लिए। और उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद ने जो यात्राएं की हैं मित्रों, गजब की यात्रा। में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने भारत के एक एक जिले में यात्राएं की हैं, 35 साल में मैं पूरे भारत में घूमा हूँ, पूरे विश्व में घूमा हूँ, 60-70 देशों में यात्राएं की हैं। मैंने ज़्यादा किया होगा, विवेकानंद से भी ज़्यादा किया होगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ। मैं जब उनका चार्ट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ तो आदमी गजब का था। ये तो उस स्थिति में उन परिस्थितियों में जब वायुयान नहीं थे, जब तीव्र गति से चलने वाली वाहन नहीं थे, तब वो इतना घूमा अकेला घूमता रहा और इतना काम कर दिया उसने। आज हम सब वास्तव में दो महापुरुषों के लिए बहुत कृतज्ञ हैं, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के। इन दोनों की वजह से आज का भारत ऊंचा उठने की बात सोच रहा है, संस्कृतिमय बनने की बात कर रहा है, गायत्रीमय बनने की बात कर रहा है। उसका केवल एक ही कारण है, परम पूज्य गुरुदेव ने स्वामी विवेकानंद की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने ढेर सारे मानवों को, एक बात स्वामी विवेकानंद ने कही है कि एक समय ऐसा आएगा जब दलित भी ऊंचा उठने की सोचने लगेंगे, जब चांडाल जाति भी ब्राह्मण बन जाएगी, जब एक महापुरुष आएगा और वो सबको महापुरुष बन, सबको गायत्री मंत्र दे देगा, सबको एक मंत्र देगा, विलक्षण मंत्र देगा, विलक्षण मंत्र दे करके उनको बदल देगा, उनके जीवन में बदलाव ला देगा। कौन है वो महापुरुष मित्रों? कौन है वो? गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी। उन्होंने कहा मेरे दरबार में कोई भी दलित नहीं, कोई भी जाति अछूत जाति का नहीं, कोई भी किसी वर्ग का नहीं, सब ब्राह्मण यदि गायत्री जपते हो और गायत्री को जीवन में उतारते हो, गायत्री के मंत्र को पूरी तरह से अपने जीवन में निखारते हो, तो परिष्कृत करते हो तो अपने जीवन में, ये सबसे बड़ी बात अगर कही जाए, अगर सबसे बड़ी बात गायत्री मंत्र की वैज्ञानिकता को सिद्ध करके उन्होंने वैज्ञानिकों को मजबूर कर दिया। आप प्रयोग करके देखिए ना गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है हृदय पर, आप प्रयोग करके देखिए ना क्या पड़ता है शरीर पर प्रभाव। जो गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको कहाँ से कहाँ उठा करके रख सकती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे अंदर 24 ग्रंथियाँ हैं, 24 उपत्तिकाएँ हैं, चक्र हैं, विभिन्न प्रकार से हमारी जो बनी हुई हैं ये सब हमारे अंदर। जैसे ही हम उच्चारण करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो तुरंत हमारे शरीर के अंदर के सारे चक्र जागृत होने लगते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप उनको जगाए कब तक बने रह सकते हैं। अगर आप उनको सो जाने देते हैं तो फिर चुप हो जाएंगे। आपने बल्ब जलाया फिर स्विच ऑफ हो गया, आपने बल्ब जलाया फिर स्विच ऑफ हो गया। उसको जलाए रखने का काम आपका है नियमित साधना के माध्यम से, साधना की नियमितता, नियमितता और निरंतरता। गुरुदेव ने दो बातें कही हैं कि दो बातें बहुत जरूरी हैं, एक तो श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। गायत्री मंत्र में श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा तो गायत्री मंत्र चमत्कारी फलदायी नहीं देगा। दूसरा नियमितता निरंतरता, नियमित जप हो, रेगुलर जप हो, निरंतरता कंटिन्यूटी। 3 साल हो गए कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता मुझे अपने अंदर, मेरी दुकान नहीं बनी, मेरा हमें क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है, दुकान नहीं बनी खड़ी हुई, हमें क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, हमारे दिखाई के परिवर्तन क्या दिखाई पड़ता है, हमारी फसल अच्छी नहीं आई इस बार, क्या फायदा गायत्री मंत्र जपने से, कोई दूसरा मंत्र जपते हैं। हम लोग जल्दी धैर्य खो बैठते हैं। निरंतरता का मतलब होता है धैर्य खोए बिना कंटिन्यूस करते चले जाओ। कभी एक समय आएगा जब तुम्हारे पूर्व जन्म के कषाय कलमश टूट जाएंगे और पूरा पूर्व बंधन टूट के गायत्री मंत्र फलित होने लगेगा। एक माधव निदान नाम का एक ग्रंथ है, उस माधव निदान नाम के ग्रंथ को माधवाचार्य जी ने लिखा है।
उन्होंने अनुष्ठान किए गायत्री माता का दर्शन करने के लिए 13 अनुष्ठान किए, 12 अनुष्ठान पूरे हो गए, 13वां अनुष्ठान भी चालू हो गया, पूरा होने की स्थिति में था कि उनको निराशा हो गई। उन्होंने कहा अभी तक गायत्री माता का तेज तक नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूर दूर तक 24 लाख के 13 अनुष्ठान, बहुत निराश हो गए, बनारस चले गए और भैरव की साधना की, तांत्रिक साधना, भैरव की साधना की। तो एक साल के अंदर भैरव प्रकट हो गए, एक साल की साधना के बाद। और भैरव प्रकट होने के बाद सामने प्रकट नहीं हुए, पीछे प्रकट हुए। पीछे प्रकट होने के बाद बोले कि बोलो तुम क्या मांगते हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले आप हैं कहाँ, सामने आइए ना। बोले मैं सामने नहीं आ सकता। क्यों? और तुम्हारे गायत्री मंत्र की शक्ति में इतना तेज है कि तुम्हारे तेज को मैं सहन नहीं कर सकता। मैं भैरव हूँ, भैरव, मैं तांत्रिक साधना का गुरु हूँ, तांत्रिक साधना का इष्ट हूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तो हे महापुरुष, ये तो बताइए कि अगर मेरी गायत्री माता की शक्ति में तेज इतना था, मेरा गायत्री का तप इतना था, तो गायत्री माता मुझे क्यों नहीं दिखी। बोले अरे अब तो कर, तेरे 12 साल के सारे जितने भी पाप थे वो सब कट गए, अब फिर से कर, एक साल के अंदर तुझे दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने माधवाचार्य ने वृंदावन आकर के फिर से साधना की और साधना करने के बाद उनको गायत्री माता का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने उनको माधव निदान नाम का ग्रंथ लिखने के लिए कहा, जो आज आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। मित्रों, ये है कृपा गायत्री की, ये कृपा है। जिस महापुरुष ने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए हों, उस महापुरुष ने कितना बड़ा तेजो वलय अपने जीवन में अख्तियार कर लिया होगा, आप देख नहीं सकते। गुरुदेव के सामने, गुरुदेव ने जब 24 लाख के 24 महापुरुष पूरे किए, तो गुरुदेव उस समय आंख में काला चश्मा लगाते थे, कोई उनकी आंख से आंख मिला नहीं सकता था। और उस समय जब उन्होंने गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की तपोभूमि में, गायत्री तपोभूमि में, उसके बाद पहली दीक्षा वंदनिया माता जी को दी और उसके बाद बाकी लोगों को दीक्षा देना चालू की। तो ये 1953 की बात है जब से दीक्षा देना चालू की उन्होंने, और वहां से उन्होंने फिर दीक्षित करने के बाद अपनी दीक्षा समुदाय को बढ़ाना चालू किया। आज लाखों करोड़ों गुरुदेव के शिष्य हैं जो उनके द्वारा या उनके शिष्यों के द्वारा उनकी ही परंपरा में दीक्षित है। अगर मैंने दीक्षा दी है या डॉक्टर साहब ने दीक्षा दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ शिष्य हो गए, कोई परंपरा एक ही है। ये सबसे बड़ा उपक्रम है मित्रों गायत्री परिवार का, कि गायत्री परिवार में कोई ये नहीं कहता कि मेरे शिष्य हैं। देखिए, ये तो आचार्य जी के शिष्य हैं, मैं आचार्य जी का शिष्य हूँ, पर ये मेरे शिष्य हैं, ऐसा नहीं। सब गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरुदेव के माता जी के शिष्य हैं, वो हमारे माता पिता, वो हमारे, आप हमारे गुरु भाई हैं, आप हमारे गुरु बहन, ऐसा किसी 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 भी पंथ में, संप्रदाय में देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है, गायत्री परिवार इतना बड़ा अपने आप में संगठन बन के खड़ा हो गया। ये आज चमत्कारिक रूप से पूरे के पूरे देश के कोने कोने में हर जगह प्रभावित कर रहा है। मैं अभी इस महीने के शुरू में मेरा ऑपरेशन हुआ, तो नजीबाबाद कार्यक्रम में भी मैं आ पाऊंगा कि नहीं, मुझे बड़ा शक लग रहा था, संदेह लग रहा था। पास में था तो मैंने गुरुदेव की आज्ञा लेकर के कोशिश कर ली कि मैं आ जाता हूँ, चला आता हूँ, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, तकलीफ कोई नहीं होना चाहिए। पर आप लोगों की सहानुभूति मेरे साथ है ना, कुछ नहीं होगा ना, मुझे नहीं होगा ना कुछ। लुधियाना में कार्यक्रम था जो मेरा पहले से दिया हुआ था, 4-5 महीने पहले से बड़ी तैयारी की थी, बहुत बड़ी तैयारी की थी। लुधियाना में भाई लोग होके आए हैं, सबके सब पूरे देख के आए हैं कितनी बड़ी तैयारी की थी। हर चौराहे पे पोस्टर, बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था उन्होंने, 7वीं वर्षगांठ अश्वमेध महायज्ञ की 7वीं वर्षगांठ। मैं नहीं जा पाया, इसी महीने की कौन सी तारीख थी, 19-20 तारीख को, अभी आज से करीब 4 दिन पहले मेरे लिए यात्रा करना बड़ा मुश्किल था, मैं यात्रा नहीं कर पा रहा। 7 घंटे की यात्रा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, नहीं तो मैं जरूर चला जाता। मैं निराश नहीं करता कभी किसी को, पर मैं नहीं जा सकता, अभी भी नहीं जा सकता। अभी मुझे 3-4 महीने तक के लिए मना है कि लंबी यात्रा नहीं करना है बाय रोड। फिर भी मैं समझता हूँ मित्रों कि ये जो चमत्कार फैला है कि पंजाब में भी गुरुदेव, हरियाणा में भी गुरुदेव, दक्षिण भारत में जहाँ देखो वहाँ गुरुदेव, कोयम्बटूर में प्राण प्रतिष्ठा करके आए, आना है अभी हमको अगले साल बंगलुरु में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं हम लोग कालीकट में
कालीकट वाले मलयाली भाषी लोगों के बीच में हम लोग यज्ञ करके आए, बहुत बड़ा यज्ञ करके आए, 251 कुंडी यज्ञ। उनके जो शिष्य थे वो सब बैठे हुए थे अपना यज्ञ करने के लिए, तांत्रिक यज्ञ करने के लिए। उनको मैंने जब व्याख्या की तो व्याख्या सुनने के बाद उन्होंने अपना मुंह पलट लिया और सीधे जाके हमारा यज्ञ करने लगे। उनके गुरु से पूछ लिया मैंने कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद आपसे दीक्षा ले चुका हूँ आज, तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आपके गुरु मंत्र की दीक्षा लेने के बाद अब मेरे को कोई किसी नहीं। तो दक्षिण भारत के कोने कोने में, पूर्वी भारत के कोने कोने में, जगह 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 गायत्री मंत्र का प्रचार, भारत के कोने में नहीं, विश्व भर के कोने कोने में, ये सारी की सारी महिमा गुरुदेव की। वास्तव में मित्रों, गायत्री मंत्र है ही महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, आदि मंत्र, सबसे पहला मंत्र जिसके माध्यम से ये जगत खड़ा हुआ, सृष्टि खड़ी हुई। और इस मंत्र की शक्ति को ढोने वाला कोई अगर ताकतवर नहीं मिलता तो ये गायत्री मंत्र फिर छुपा ही रहता। इसीलिए श्री अरविंद लिखते हैं, श्री अरविंद कहते हैं कि गायत्री मंत्र भी प्रकाशित नहीं हुआ है, 1908 में लिखते हैं, 1909 में, अभी गायत्री मंत्र प्रकाशित नहीं हुआ है। अभी एकमात्र देश को आजादी का मंत्र है, वेद मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पहले ये गुंजित होगा और ये सोया हुआ दैत्य जागेगा। पर जब वो दूसरा मंत्र आएगा तो उस मंत्र के आने के बाद भारत जगत गुरु बन जाएगा। मित्रों, गायत्री मंत्र के आने के बाद भारत के जगत गुरु बनने की पूर्ण संभावना, पूर्ण संभावना। 1909 में उन्होंने कहा, 1911 में गुरुदेव का जन्म हुआ, अभी 2011 में आपने जन्म शताब्दी वर्ष देखा उनका। और मैं समझता हूँ कि अति समीप रहने वाले लोगों को ज्यादा प्यार मिलता है, शांति कुंज के साथ सबसे ज्यादा समीप कौन है, सबसे ज्यादा सब समीप कौन है, आप ही लोग तो हैं, नजीब हुआ सबसे समीप। देहरादून भी हमसे थोड़ा दूर है और बाकी रुड़की पास है, तो रुड़की के लोग तो हमारे अपने ही हैं, खुद के ही हैं, पर नजीबाबाद सबसे नज़दीक है। नजीबाबाद में बहुत बार निकला हूँ, मैं 1988 से निकल रहा हूँ, 88 से निकल रहा हूँ, निरंतर इसी क्षेत्र से निकलता हूँ, इसी क्षेत्र से निकल के मैं ऊपर जाता हूँ। अल्मोड़ा गया मैं कई बार गया, अल्मोड़ा से मैंने हिमालय के दर्शन किए, मैंने वहाँ साधना की, मैंने वहाँ पूरे अनुष्ठान किए। फिर अल्मोड़ा से आगे मेरे को एक जगह दिखी, वहाँ मैंने चार पाँच मंजिल का मैंने, मतलब गुरुदेव ने चार पाँच मंजिल का एक शक्तिपीठ खड़ा कर दिया बड़ा सा, मुनस्यारी, 8,500 फीट की ऊंचाई पर, सामने हिमालय, पांच चोटियां हिमालय की दिखाई पड़ती हैं, उसके पीछे कैलाश, सबसे बड़ा जो हमारा कैलाश मानसरोवर वाला कैलाश है। वो स्थान इतना सुंदर बन रहा है मित्रों कि आने वाले एक दो साल के अंदर जब आप लोग सब जाएंगे वहाँ पर तो आपको लगेगा कि प्रकृति कितनी सुंदर होती है, भगवान कितने सुंदर होते हैं। अगर देखना है गायत्री माता के सौंदर्य को देखना है तो इस रूप में देखना चाहिए, हिमालय के रूप में देखना चाहिए। वहाँ मैं देख के आया हूँ, वहाँ मैं करीब करीब हर साल जाता हूँ, दो तीन बार जाता हूँ। निर्माण चल रहा है, अभी थोड़ा सा पूरा होने में करीब एक साल और लग जाएगा, उस एक साल के अंदर मुनस्यारी का निर्माण पूरा हो जाए। कहाँ है ये? इधर एक तरफ नेपाल है, एक तरफ चीन है, एक तरफ उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ही है और कहीं नहीं है, दूर नहीं, पिथौरागढ़ जिले में, पर है ऊंचाई, 8,500 फीट की ऊंचाई पर वहाँ पर हमने बनाया है। और इतनी सुंदर जगह मिली, सुंदर स्थान मिला, सुंदर ऑफिसर मिले, सबके सब कर्मचारी हमारे पक्ष में होते चले गए, सारा निर्माण होता चला गया। अब वहाँ पर हम लोग गायत्री माता की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं अगले साल, और उसके बाद वहाँ कम से कम 60 से लेकर 80 साधकों के सत्र चला करेंगे साल भर। ठंडक बहुत है, बहुत ठंडक है, पर गुरुदेव ने भी तो हिमालय में जाके तप किया था। आप हिमालय नहीं जा सकते, पर आप मुनस्यारी तो जा सकते हो, हम सुविधा देंगे आपको, गर्म कमरा होगा, कमरा गर्म से मतलब ये है कि कमरे में अंदर ठंडक नहीं लगेगी, बाहर निकलोगे तो ठंड मिलेगी आपको। गुरुदेव ने तो ओपन में ठंडक में साल भर साधना की है, एक एक साल की 4 साधना की है, कठोर अनुष्ठान किए हैं। आप गुरुदेव की उतनी साधना नहीं कर सकते तो उतनी तो कर सकते हो जितनी मैं बता रहा हूँ, वो करोगे तो आनंद आ जाएगा। साल में एक बार बस 5 दिन का सत्र, 9 दिन का सत्र करोगे तो आनंद आ जाएगा। इतना बढ़िया, मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव को कहाँ कहाँ पहुँच गए। मैं कई बार बोल जाता हूँ कि गुरुदेव कहाँ कहाँ पहुँचा दिया, हम कौन होते हैं पहुँचाने वाले, गुरुदेव पहुँचा रहे हमें। देखो ये इतना सुंदर स्थान, ये इतना सुंदर स्थान। अभी उत्तराखंड में भयंकर आपदा आई, आपने देखा कितनी भयंकर आपदा आई कि केदारनाथ मंदिर को छोड़ करके दोनों तरफ से मंदाकिनी बही और न जाने कौन सी एक बड़ी चट्टान महादेव के रूप में आई और पीछे जाके स्थापित हो गई।
केदारनाथ का मंदिर का शिवलिंग नहीं प्रभावित हुआ। अब वहाँ जाकर उन्होंने खुदाई उदाई कर करके ठीक ठाक करके दर्शन चालू कर दिए। नीचे हजारों लाशें दबी हुई हैं अभी भी सामने मलबे में, और वहीं से मुश्किल से 500 मीटर नीचे अपना भोजनालय चल रहा है 2 महीने से। सरकार की तरफ से कोई भोजनालय नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है, पर हमारा भोजनालय निरंतर चल रहा है। हमारे 20 कार्यकर्ता निरंतर भोजन सबको सप्लाई कर रहे हैं। सारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स सबके सब आके भोजन करते हैं, और हम निरंतर भोजन सप्लाई करते चले जा रहे हैं। यहाँ से सामग्री भेज रहे हैं, लोग लाला के दे रहे हैं, सब्जियाँ लाला के दे रहे हैं कि भाई साहब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा पुण्य का काम किसी ने नहीं किया। वहाँ पर मित्रों पूरे के पूरे उस हिमालय में जगह 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 जहाँ आपदा आई, आपदा के कारण तीनों नदियों गंगा के विशाल जटाएं उनमें समाई थी शंकर जी की, और जटाओं में से जब निकली थी तो 3 धाराओं के रूप में निकली थी, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, इन 3 रूपों में निकली थी। इन 3 रूपों में निकले, तीनों ने ही प्रकोप अपना दिखाया, और तीनों का प्रकोप आपको दिखाई पड़ता है कि किस तरह से चारों तरफ से ध्वंस करती हुई निकल गई। क्योंकि आपने उनके बेड में, नदियों के बेड में आपने रिसोर्ट खड़े कर दिए, आपने मंदिर की गरिमा, नदी की गरिमा, भगवान शिव की गरिमा को प्रभावित किया, तो निश्चित रूप से आपको दंड मिलेगा। तो दंड मिला हमको, पर हमें सबसे बड़ा परिणाम इसका क्या मिला, शांति कुंज के परिजन, कम से कम हमारे 500-600 परिजन राहत कार्य में लगे और निरंतर वहाँ जाते रहे, निरंतर जाते रहे, हेलीकॉप्टर से भी गए, पैदल भी गए, 20-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा तो भी गए, सामान लेके गए। अभी हम गांव स्थापित कर रहे हैं, अभी रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, 200 गांवों को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, पुनर्वास कर रहे हैं उनका, 200 गांवों को नए मकान बना बना के दे रहे हैं। सरकार ने कहा हम 7 लाख रुपए देंगे, ये देंगे, तो सरकार की बात तो वो लोग सब हंसते हैं बुरी तरह से। वो कहते हैं सरकार बना के कभी न जाने कब देगी, 7 लाख देगी तब ले लेंगे, जाके सीधे शांति कुंज में डोनेशन में दे देंगे। पर इन्होंने मकान बना के इन्होंने दिया हमें, क्योंकि ये आए थे हमारे लिए असली संकट की घड़ी में, ठंडक के समय में ये लोग आए। मित्रों ऐसा काम करने का मौका मिला तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ भूमि में, इसकी कृपा भी गुरुदेव को जाती है। गुरुदेव ने प्रेरणा दी। आपके नज़दीक का क्षेत्र है लक्सर का, और लक्सर में इतनी भयंकर बाढ़ आई क्योंकि गंगा का पानी इतना ज़्यादा आया, एक साथ आया, अभी भी पानी भरा हुआ है, 15-15 मीटर पानी गंगदासपुर में, सारे मकान ऊपर डूबे हुए, 3-3 4-4 मंजिल के मकान डूबे हुए, सब में पानी, अभी भी पानी कीचड़ भरा हुआ है। आज लक्सर के सब लोग आए थे, सब परिजन आए थे आज मिलने के लिए। तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है अब ये है कि अगली फसल कैसे होगी, पानी तो उतर रहा है धीरे धीरे। अभी क्या हुआ है कि गंग नहर बंद कर दी तो सारा पानी गंगा में छोड़ दिया, गंगा में फिर पानी बढ़ गया, तो वो फिर पानी भर गया फिर से। अभी थोड़ा दिवाली के बाद जैसे ही निकल जाती है गंग नहर चालू हो जाती है तो गंगा में पानी फिर कम हो जाएगा। उसके बाद फिर उनको बीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा देखो हम नजीबाबाद जा रहे हैं, आज नजीबाबाद वालों से प्रार्थना करेंगे गन्ने के अच्छे बीज उनको मौजूद कराएं, उनको उपस्थित कराएं, ताकि कम से कम गन्ने की फसल उनकी लग सके, कि एक ही फसल लगती है, गेहूँ वेहूँ कुछ नहीं लगता वहाँ पर। तो आप लोग जो कुछ भी कर सकें, नजीबाबाद उन्होंने किया है, राहत कार्य में बहुत मदद की है, गंगा की सफाई में भी हम लोगों ने जो काम किया उसमें मदद की है, तो उसमें आप जो कुछ कर सकें आप करना। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, गायत्री के माध्यम से सेवा कार्य। गायत्री 3 चीज़ों की देवी है, अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, और गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी है गायत्री, त्रिपदा है, त्रिपदा 3 पैरों वाली, 3 पद वाली, और ये इतने अनुदान देती है कि ढेर सारे अनुदान देती है, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा के रूप में अनुदान देती है। गायत्री सही अर्थों में कहा जाए तो इतनी अनमोल फल देती है, अमृत, पारस, कल्पवृक्ष। अमृत यानी हमेशा जवान बने रहना, जवान बने रहना मतलब बीमारी नहीं होना, बीमार हुए तो दुखी नहीं होना। भाई छोटी मोटी बीमारी सबको होती रहती है, बुखार आता है, तकलीफ होती है, पीठ में दर्द होता है, ऑपरेशन हो जाता है, कभी हाथ पांव टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है, पर खुश रहना, प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहना। मैं ऑपरेशन करा के आया तो मैं वहाँ से हंसता हंसता नीचे उतरा उस पर से, कार में से, तो लोगों ने कहा अजीब है डॉक्टर साहब, हंसते हंसते उतर रहे हैं, तो क्या मैं रोते रोते उतरूँ, मैं और लोगों को रुलाऊँ, मैं क्यों भाई, मेरा ऑपरेशन हुआ था उस समय मुझे कष्ट था, पर तो कष्ट निकल गया। तो दूसरों को हंसो और हंसाओ, खूब प्रेम से स्माइल करो, ये जवानी है, ये जवानी।
और जो रोता है रुलाता है और हमेशा हमेशा निराशा में ग्रसित रहता है वो बूढ़ा है, बूढ़ा 70 साल का बूढ़ा, हमेशा कहता है अरे कुछ नहीं, हमारा जमाने में ऐसा था, तुम्हारे जमाने में कुछ नहीं है, तुम सब बेकार हो, तुम सब बेकार हो, ऐसी जो बात करता है ना वो बूढ़ा है। जवान भी अगर 20 साल का बच्चा ऐसी बात करता है तो बूढ़ा है। इसलिए जवान बनो, जवान बनो, गायत्री प्रेरणा देती, अमृत, गायत्री अमृत देती है, गायत्री पारस है, पारस है ना, बदल देती, कीमिया है, लोहे को सोना बना देती है। हमारे जैसे लोगों में जिनमें वासना तृष्णा अहंता के बीच छिपे पड़े हैं इतने सारे, न जाने कब आक्रमण करते हैं, काम वासना न जाने कब आक्रमण करते, तृष्णा न जाने कब आक्रमण करते, धन लूट ले इसका सामने वाले का, इन सब चीजों को, और ईगो सबसे बड़ी चीज, अहंता सबसे बड़ी चीज, मैं हम करते रहते हैं, इनको तीनों से बचाने का काम करती है हमारी ये त्रिपदा मंत्र, त्रिपदा के साथ इस पारस को, इसको शरीर को, काया को पारस बना देती, पारस को छू देती है तो सोना बना देती, इस जंग लगे हुए शरीर को सोना बना देती, हम सोने के समान, स्वर्ण के समान चमकने लगते हैं। व्यक्तित्व जब चमकने लगेगा सोने के समान तो क्या गजब की बात है, व्यक्तित्व चमकता है सोने के समान तो फिर उसके आसपास लोग आने लगते हैं, चंदन की तरह सुगंधित हो जाता है, लोग उसके सामने आते हैं, आसपास आते हैं, उससे बात करते हैं और उससे कहते हैं भाई साहब हमें भी गुरुदेव की किताब देना, भाई साहब हमें भी बताना आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आया, भाई साहब आपके जीवन में बदलाव कैसे आया। इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब से गायत्री से जुड़े हो सकता है आप में से कहीं नहीं हो, आप जब से गायत्री से जुड़े हो तब से आपके जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया, हाथ ऊंचा करके बताओ आया कि नहीं आया। मैं इस रूप में नहीं पूछ रहा हूँ कि कोई सिद्धि नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि जीवन में आई कि नहीं, कोई पैसा आया कि नहीं, पर जो जीवन आज से 10 साल पहले था, 15 साल पहले था, उस जीवन में और आज के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं, अगर है तो निश्चित रूप से मान करके चलिए ये पारस का चमत्कार। तीसरा है कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष है ना, इसके नीचे बैठो समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है, समस्त इच्छाएं, सारी इच्छाएं पूरी होती, गायत्री सारी इच्छाएं पूरी करती है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप कभी निराश मत होना, आशा को निराशा में, निराशा को आशा में बदलने का काम करती है गायत्री। गायत्री महामंत्र में बड़ी शक्ति मित्रों, गयांत्रायते सा गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री, प्राणों की रक्षा करती है, वो कैसे किसी को मार सकती है, कैसे किसी को अधमरा कर सकती है, कैसे किसी को दिक्कत दे सकती है, ये तो मेरे, मैं अपने पापों को ढो रहा हूँ, या ये कहा जाए कि मैं अपने प्रारब्धों को निकाट रहा हूँ, या मैं जो भी कुछ है, मेरे 12 ऑपरेशन हो चुके हैं शांति को जाने के बाद, मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो भाग्य होता, अभी तक गुरुदेव की शरण में आने के बाद 12 ऑपरेशन हो गए, 12वां ऑपरेशन था ये वाला, लोग पूछते हैं और कितने, मैंने कहा गुरुदेव जितना चाहेंगे उतने, मान लो किसी की वजह से मुझे लेना पड़ा संकट, ले लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, भगवान करे अब कोई ऐसी दिक्कत ना आए जिससे कि परेशानी हो। 63 साल का हो गया हूँ, अब 17 साल की जिंदगी ऐसी कट जाए जिसमें कि जितनी ज़्यादा काम कर सकें उतना ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। आप सबके लिए एक ही संदेश है मित्रों, आज की तारीख में ये गायत्री शक्तिपीठ बन के तैयार हो गए, मैंने कभी इतनी बार निकला इधर से, मेरा सारथी आपके नजीबाबाद का ही है, आप जानते हैं उसको ना, अरुण को, तो मेरा सारथी यहीं का है, और इसी सड़क से, अभी सड़क तो शायद नहीं बन गई है, मैं जिस सड़क से निकलता था वो नजीबाबाद शहर के बीच में से जाती थी, मैं उस सड़क से निकलता था, तो उस सड़क से निकलता था नजीबाबाद होता हुआ, मैं बाजपुर होता हुआ और काला ढूंगी होते हुए मैं नैनीताल होता हुआ अल्मोड़ा जाता था, इसी रोड से हमेशा वही रहा है मेरे साथ थ्रू आउट 2001 से मेरे साथ, इसके पहले दूसरे ड्राइवर थे मेरे साथ, तो निरंतर 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 12 साल से मेरा साथ दे रहा है वो, और मैं समझता हूँ कि नजीबाबाद की सूरत बदल गई, मैंने आज जो सूरत देखी अलग ही देखी, बैठे बैठे यहाँ देख रहा था रेल ट्रेन निकल रही पास में से, मैंने कहा ये कहाँ से कहाँ आ गए हम, किस रोड पे से कहाँ ले आए, कुछ समझ में नहीं आया, पूरी जोग्राफी जो है इसका बदल गया पूरा नजीबाबाद का। गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना ने ये कायाकल्प करके दिखा दिया नजीबाबाद का, भगवान करके नजीबाबाद का स्थान इतना ऊँचा हो जाए कि नाम नजीब है, नाम इसका नसीब हो जाए, जो यहाँ आएगा उसका नसीब ऊंचा ही ऊंचा होता चला जाए, जो यहाँ आए उसका नसीब आबाद, हो सकता नसीबाबाद ही रहा हो, बाद में नजीबाबाद हो गया, नजीबाबाद ही रहा हो, नजीबाबाद को नसीबाबाद हम लोग बना के दे देंगे, ये हम लोगों के ऊपर, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर।
हम लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते मित्रों, हम लोग चाहें तो सब कुछ करके दिखा सकते हैं। शताब्दी वर्ष में आप लोगों ने देख लिया कि एक पूरी कुंभ नगरी बसा के रख दी थी, छोटी सी कमी कहीं रही हमारी, उससे हमको परेशान होना पड़ा, परंतु हमारी परंपरा नहीं टूटी। वो परंपरा चलती रही सारे देश में, विदेश में, सब जगह युवाओं को तैयार करने का काम इन दिनों चल रहा है। इन दिनों मेरी दृष्टि एक ही तरफ है, युवा शक्ति, नारी शक्ति है। बहनों को उनकी गरिमा का बोध कराना और उनको ऊंचा उठाना, दूसरा युवा शक्ति, युवा शक्ति को आधार दिखाना कि भाई तुम्हें भारतीय संस्कृति के लिए काम करना। मित्रों, अगर कहीं कोई संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति, और कोई संस्कृति नहीं है। जैसा हमने सुना था पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता, उन्होंने जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से जीना सिखाया पश्चिमी लोगों ने। उन्होंने हमको रेल दी, उन्होंने कभी नाखून काट के रहा करो, बाल थोड़े ढंग से रखा करो, काटा करो, ठीक से कपड़े ढंग से पहना करो, ये हमको पश्चिमी लोगों ने सिखाया। इसको क्या कहते हैं? एटिकेट्स। हमने उनकी नकल कर ली। नकल कैसे कर ली? हमने कॉन्वेंट बना दिए छोटे छोटे से बच्चों को सिखाने के लिए। बच्चों को क्या सिखाया? जब भी कुछ दिया जाए तो तुमको सबको बोलना है बच्चों थैंक यू वेरी मच। बच्चा हमारा बोलता है थैंक यू वेरी मच, कॉन्वेंट में जाता है, टाई पहन के जाता है, टाई पहनने का एटिकेट उसको आता नहीं है। जब भी नाक पोंछनी होती है टाई से नाक पोंछ लेता है। रिक्शे में छः छः दस दस बच्चे लोड हो के जाते हैं। ये कोई ये कॉन्वेंट कल्चर हमने कहाँ से ले ली? डोनेशन में, ये हमने इंग्लैंड से ले ली। हमने न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या ले लिया, मॉल ले लिए बहुत सारे सुंदर। हो सकता है कि नजीराबाद में भी अगले दिनों कोई मॉल बन जाए, बहुत सुंदर सा कोई बड़ा सा बन जाए, जैसे जैसे विकास हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पश्चिमी हो गए। हमारी मूल सभ्यता, हमारी मूल संस्कृति भारतीय संस्कृति है। संस्कृति यानी गुणों को जीवन में उपार्जित करने की कला। संस्कृति की परिभाषा आप समझ लेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। संस्कृति का मतलब होता है गुणों को आत्मसत्ता में बोना, कल्टीवेट। आप में से अधिकांश लोग किसान है, मुझे हाथ ऊंचा करके दिखाओ कितने किसान है। अरे बहुत किसान है, तो नीचे कर ले। किसान है तो क्या करते हैं आप? एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर करते हैं ना, बीज बोते हैं, तो बीज कितना गुना हो जाता है? कई गुना हो जाता है। कई गुना होकर के फसल बनती है, फसल बिकती है, फसल जाती है, फसल सबसे। कई तो ऐसे किसान बैठे हैं यार भाई, जो अपनी पहली फसल पहले शांतिकुंज भेजते हैं, उसके बाद कहीं देते हैं। ऐसे ऐसे बैलों मैं सबको जानता हूँ, भाइयों को। मित्रों, कल्चर का मतलब होता है एक बीज को हजार गुना कर देना, एग्रीकल्चर का मतलब। और कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति के अच्छे गुणों को अपने जीवन में, मतलब भगवान के आध्यात्मिक गुणों को अपने जीवन में, सरसता, सद्भाव, दूसरों की सेवा, दूसरों के प्रति दर्द, दया, दुख दर्द, सामानुभूति, सहानुभूति, करुणा, इन सबको जीवन में अपने आत्मसत्ता में बोना, बो करके मल्टीप्लाई कर देना, कई गुना कर देना, ये है संस्कृति। ये संस्कृति, संस्कृति का वर्ड यहाँ से आया है, कई गुना कर देना, बोते हुए कई गुना कर देना। बस अगर संस्कृति का मतलब आपको मालूम है कि सद्गुणों को जीवन में आरोपण करने की कला। अरे रोज एक एक गुण जीना सीखो। रोज पत्नी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, एक दिन तुम पत्नी के लिए खाना बना दो। गलत सलत बनाओगे कोई बात नहीं, बना के देखो तो सही। पत्नी अगर नमक खाने में ज्यादा डाल देती आप थाली फेंक देते हो गुस्से में आके। क्यों? पुरुष ईगो आपका कहता है नहीं, खाना बनाने का काम उसका, खाना खाने का काम हमारा। दोनों मिलके बनाओ तो सप्ताह में एक बार दोनों मिलके बनाओ। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना, दाल तुम्हारी फीकी रह जाएगी, चावल उनके अच्छे बन जाएंगे, कोई बात नहीं, नमक डाल लेना, उसमें क्या दिक्कत है। एक उदाहरण दे रहा हूं कि हम किस तरह से अपने जीवन में अच्छाइयों को बोने की कला सीख सकते हैं। एक एक अच्छाई रोज बोना चालू करें। झूठ नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा किसी के सामने नहीं करेंगे। आज तो पहले तो पीठ पीछे करते थे, आजकल तो मोबाइल आ गया, झट से उठाया मोबाइल, कान से लगाया और बोल दिया कि देखो वो अभी मिल के गया मेरे से, बड़ा बदमाश आदमी, उससे बात मत करना। अरे उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई तुमको कि तुम बदमाश हो, और उसकी पीठ पीछे बोल रहे हो 50 लोगों को फोन करके, तो वो शर्म नहीं आती? न जाने कितनी चीजें आ गई आज। आधुनिकता ने, वैज्ञानिकता ने इतना ज्यादा सरंजाम जुटा दिया है, फेसबुक, नेटवर्क और न जाने क्या क्या। पूरा टीवी खोल के देखिए तो टीवी में दिखेगा हजारों लाखों चीजें आ गई हैं।
इनके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है ऐसा लगता होगा। नहीं नहीं कोई अधूरा नहीं मित्रों, एक सिंपल सा बात करने के लिए फोन हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। परंतु अगर फोन नहीं भी हो तो आपसे ज्यादा शांति भरा जीवन जीने वाला कोई नहीं हो सकता। वास्तव में सही बता रहा हूँ, माला करते समय अगर कोई फोन आ रहा हो तो आप फोन सुन रहे हो अगर उस समय, इसका मतलब ये कि आप भगवान से बात नहीं कर रहे, आप उस आदमी से बात कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके 10 मिनट की 15 मिनट की माला करो और उस समय फोन को साइड में रख दो, फोन को साइलेंट मोड पर रख दो। उसको ही पता चल जाएगा कि अभी 15 मिनट भाई साहब आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनका टाइम है, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई भी काम किसी के बिना रुका नहीं। मैं अपना फोन स्विच ऑफ रखता हूँ, साइलेंट मोड पर रखता हूँ। मुझे शुक्ला जी बताते हैं कि मेरे फोन पे फोन आया कि डॉक्टर साहब का फोन साइलेंट मोड पर है, जरा बता देना, ये बता देना। मैं फिर फोन कर लेता हूँ, फिर कर लेता हूँ। दिन भर में कम से कम 150-200 फोन आते हैं पर मैं सुनता हूँ उनका, किसी का फोन नहीं। मतलब आप बुरा मत मानना इस बात का कि सुनता हूँ उनका, क्यों नहीं, क्यों फोन क्यों रखते हो? फोन रखना जरूरी हो गया आजकल की दुनिया में, ईमेल देखने के लिए, मैसेजेस देखने के लिए, सब देखने के लिए कई चीज़ें जरूरी होती। मैं आधे घंटे में, एक घंटे में, दो घंटे में देख लेता हूँ, पर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। विज्ञान ने हमें इतने सारे आविष्कार दिए, विज्ञान ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी कि आज डॉक्टरों के पास सब कुछ चीज़ें हैं। आज हमारे पास मशीनें हैं जिनसे हम बिना छेद किए, बिना कुछ किए, बिना शरीर को छेड़े सब कुछ पता लगा सकते हैं कि शरीर में क्या है। डॉक्टर मेरे पास बैठे हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड भी देखते हैं और एक्सरे भी देखते हैं, सब देखते हैं। इसके अलावा MRI आ गई, CT स्कैन आ गया, न जाने क्या क्या आ गया, उनमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको टच किए बिना उसमें सब कुछ पता चल गया आपके अंदर बीमारी क्या है। जब उस बीमारी को ठीक करने का तरीका पता चल गया है तो फिर इलाज करा लीजिए, आयुर्वेद से करा लीजिए, एलोपैथी से करा लीजिए, होम्योपैथी से करा लीजिए, कहीं से भी करा लीजिए। ये विज्ञान की उपलब्धि है मित्रों। विज्ञान की सबसे बड़ी जो नेगेटिव उपलब्धि है वो ये कि विज्ञान ने हमें हिंसक बना दिया, विज्ञान ने हमें एक दूसरे पे आक्रमण करना सिखा दिया, विज्ञान ने हमें ऐसे 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 हथियार दे दिए जिन हथियारों से आप किसी को भी कभी मार सकते हैं। ढेर सारे न्यूक्लियर बम के ऊपर आविष्कार चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, सारे देश इसी वजह से लड़ रहे हैं कि भाई वो अगर बना रहा है अणु बम तो हम क्यों नहीं बना सकते, इसी के लिए लड़ाई चल रही है। एक समय ऐसा आएगा मित्रों, आने वाला समय बहुत अच्छा समय है, जब ये सारी की सारी चीज़ समाप्त हो जाएंगी और पूरा विश्व, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने कहा था सारे विश्व की एक प्रार्थना होगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि एक प्रार्थना कौन सी ऐसी हो सकती है जिसको सारा विश्व एक साथ एक झंडे के तले कर सकता है, उन्होंने कहा था गायत्री मंत्र एक मात्र ऐसी प्रार्थना है जो सारा विश्व एक साथ मिलकर कर सकता है। जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो आपके चारों तरफ शुचिता, पावनता, पवित्रता का एक औरा तेजो वलय छा जाता है, बस आनंद आ जाता है, आनंद ही आनंद, सच्चित आनंद। बस यही एकमात्र सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए हम लोग आए थे इस धरती पर रास्ता भूल गए, गलती से न जाने कहाँ भटक गए, कहाँ भटक गए, घर बनाने के चक्कर में पड़ गए, मकान बनाने के चक्कर में पड़ गए। ये बनाओ ना मकान, मन किसने मना किया है, और इतने परेशान मत रहो उसके लिए, बन जाएगा। शक्तिपीठ बना लिया, बहुत अच्छा किया, बस बढ़िया। अब ये स्मृति उपवन बना रहे हो पीछे, ये ऐसी इतनी बढ़िया चीज बन रही है, आप देखना कि पूरा के पूरा नजीबाबाद यहाँ आएगा और यहाँ चलेगा और स्वस्थ होकर जाएगा। डॉक्टर कहेंगे हमारी प्रैक्टिस मारी गई है आने के बाद। लोग बाग नजीबाबाद के यहाँ आने लगे तो सब स्वस्थ हो गए, क्यों? एक्यूप्रेशर पात बनेगा, जवारे का रस मिलेगा, जड़ी बूटियों का रस मिलेगा, सब चीज मिलेगी। और पैदल चलने वाले जो व्यक्ति हैं इस पार्क में जो चक्कर लगाएंगे, हमने तो वहाँ बनाया, वहाँ देखते हैं हम रोज हमारे बच्चे चलते हैं, किसी को बीमारी नहीं होती, किसी को कोई बीमारी नहीं होती। भोपाल में हमने पार्क बनाया तो भोपाल में पार्क बनाने के बाद उस पार्क की अकेले की जूस वगैरह से सबसे इनकम 1.5 लाख रुपया पर डे है मित्र, 1.5 लाख रुपया पर डे। इतना ही बड़ा पार्क, इतना बड़ा पार्क आपका है और वहाँ नियमित रूप से, निरंतर रूप से एक क्रम चल रहा है। ये आपके आप बन के तैयार हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पार्क में पहली बार चलने की जब बात आएगी तो मैं आऊँगा, इसमें मैं चल के दिखाऊँगा, इसमें बताऊँगा कि आप सब लोगों को क्या लाभ मिलेगा। नजीबाबाद बहुत सौभाग्यशाली है कि हरिद्वार के नज़दीक सबसे पहला बीड़ा उसने उठाया। मैं देहरादून में कोशिश कर रहा हूँ, रुड़की में कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ भी ऐसा स्थान मिल जाए हमको। लोगों को 10-10 फीट की, 15-15 फीट की जमीन मिल जाती है तो अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, इसके बजाय अगर एक पार्क पर छोटा सा बना दें और उस पार्क में सारे नगर के वासियों को लाभ मिले तो कितना अच्छा है। आप देखना नगर के सब लोग आएंगे, जब एक को लाभ मिलेगा दूसरा दूसरे को बताएगा, तीसरा को बताएगा,
देखते देखते सब लोग आने लगेंगे और यहाँ घूमेंगे, जब यहाँ घूमेंगे तो गुरुदेव का माता जी का दर्शन करने जाएंगे, गायत्री माता का दर्शन करने जाएंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो साहित्य खरीदेंगे, साहित्य खरीदेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो जीवन बदलेगा। गुरुदेव के विचारों ने हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया। और मित्रों यही विचार हैं जो विचार क्रांति के बीज हैं, धमाका कर रहे हैं चारों तरफ, इन्हीं को आपको घर घर फैलाना है, जन जन के बीचों फैलाना है, यही आज की आपकी शपथ होनी चाहिए। थोड़ी देर में आप, अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर में आप दीप यज्ञ करेंगे, दीप यज्ञ मनाएंगे। मैं दीप यज्ञ में तो नहीं बैठूंगा, मैं आपके बीच से उठ के चला जाऊंगा, डॉक्टर साहब दीप यज्ञ कराएंगे। पर दीप यज्ञ के माध्यम से आप सब संकल्प लेना कि हम ज्ञान क्रांति के दीपों को घर घर फैलाएंगे, हम ज्ञान के बीजों को घर घर फैलाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव की एक किताब कम से कम सप्ताह में एक बार किसी नए व्यक्ति को पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद संकल्प लेंगे कि एक के बाद अब दो कर देते हैं, अब दो के बाद अब तीन कर देते हैं, ऐसे नए नए व्यक्ति को पढ़ाना चालू करें, अखंड ज्योति पढ़ाना चालू करें। अखंड ज्योति हम लिखते हैं पर गुरुदेव लिखाते हैं। अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचारों का संदेश वाहक है, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की का संदेश है। और कितने साल हो गए मित्रों? 77 साल, 77 ईयर्स, 77 साल से अनवरत चलती चली आ रही है। आपको नहीं लगता है 77 साल से चली आ रही इस पत्रिका को घर घर पहुंचना चाहिए? आप पहुंचाइए, घर घर पहुंचाइए। ये अखंड ज्योति पत्रिका आपके पास एक है, अखंड ज्योति पत्रिका अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से छपती है, और वहां से छपने के बाद प्रकाशित होती है, पर लिखी जाती है हरिद्वार में। संदेश गुरुदेव का होता है, और ये है अक्टूबर की पत्रिका है। इस पत्रिका में 66 पेज है। आप एक पन्ना रोज पढ़ें या दो पन्ना रोज पढ़ें तो एक महीने में पूरा पढ़ लें। पढ़ के सुनाइए दूसरों को, तो पढ़ के सुना करके अच्छी बातों को डेवलप कराइए। खूब खूब मंगल कामना। एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे कि हम आज से बदलने का प्रयास करेंगे, तो क्या बोलेंगे आप? मैं बोलूँगा हम बदलेंगे, आप बोलेंगे युग बदलेगा। हम बदलेंगे, ऐसा हाथ यूं करके बोलना है, जो हाथ यूं करें नहीं करेगा वैसा लगता है कि उसने बदलने का संकल्प नहीं लिया। हम बदलेंगे, अब आपको बोलना है हम बदलेंगे, बोलिए युग बदलेगा, जरूर बदलेगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हम बदलेंगे तो आपको लगेगा डॉक्टर साहब बदल रहे हैं, तो कोई चक्कर नहीं, अपने को कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, आपको करना है पहले काम। आप बोलेंगे हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, अब आपको बोलना है, जरा जोर से करो, जोश के साथ, युग सुधरेगा। आज तक जो हो गया सो हो गया, अब आज के बाद सुधरना चालू करिए। आज गुरुवार का दिन है, पावन दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। तारीख भी भगवान कृपा से बड़ी सुंदर मिली आपको, 24 तारीख, 24 तारीख गायत्री के 24 अक्षर होते हैं। तो आज के दिन संकल्प लीजिए, एक प्रकार से इसके माध्यम से हमने एक संकल्प ले लिया, अब हम बदल के रहेंगे पूरे नजीबाबाद को, पूरे बिजनौर को, पूरे चांदपुर को, पूरे नूरपुर को, पूरे आसपास के पूरे बेल्ट को, धामपुर को, सबको, पूरे को, और बदल करके हम एक आदर्श जिला बनाने की कोशिश करेंगे इस पूरे क्षेत्र को। श्रेय किसको जाएगा? नजीबाबाद को जाएगा, नजीबाबाद को, इसको इसका श्रेय जाएगा। ये काम करने का काम गजी गायत्री परिवार का। खूब खूब मंगल कामनाएं, गुरुदेव माता जी के ढेर सारे आशीर्वाद। कुंड भी 24 है, और भगवान करे आप में से 24 जीवनदानी निकल के आ जाए तो आनंद आ जाए, बस क्या बात, बहुत बढ़िया। जस्टिस राम अवतार सिंह जी जो शक्तिपीठ के संरक्षक हैं वो आ जाएं, हमारे गायत्री परिवार के जिला संयोजक श्री अमरीश राठी जी आ जाएं। भावभीनी विदाई है, श्रद्धेय डॉक्टर परमपूज्य पंडा जी के परम पावन वरद चरण यहाँ पड़े, हम सभी